हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुमन और आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मेरी तरफ से जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जन्माष्टमी स्पेशल कान्हा जी का बहुत ही ज़्यादा प्रिय भोग यानी आटे की पंजीरी की रेसिपी लेके आई हूँ। ये सिंपल सी रेसिपी बनाने में एकदम आसान है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो आई होप फ्रेंड्स, आज की ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो इस प्रसाद को बनाने के लिए हमें सबसे पहले कढ़ाई में 1 टेबल स्पून देसी घी डालना है, और जब ये घी थोड़ा सा मेल्ट हो जाए तो इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 कप फूल मखाना। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरे पास जो ये मखाने हैं थोड़े छोटे साइज के हैं। अगर आपके पास बड़े साइज के जो मखाना है वो है तो आप हल्का सा जो है उनको तोड़ के डालिएगा, मतलब एक मखाना में से 2 से 3 टुकड़े कर लें, उसके बाद ही आप उसे जो है घी में भूनिएगा। वो थोड़ा खाने में भी ईजी रहेंगे और देखने में भी थोड़े ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो मखाना को हमें जब तक सेकना है जब तक कि ये जो मखाना है वो बिल्कुल अंदर तक क्रिस्पी नहीं हो जाती, और गैस की फ्लेम को हमें फ्रेंड्स लो और मीडियम के बीच में ही रखना है। तो इधर मखाना को मुझे करीबन 3 से 4 मिनट हो गई है सेकते हुए, तो एक बार इसको हम चेक कर लेंगे। चेक करने के लिए हम मखाना को थोड़ा सा तोड़ के देखेंगे। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया सा इसका चूरा बन रहा है, यानी मखाना बहुत अच्छे से सिक गया है। तो अब गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल धीमा रखेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून काजू, 1 टेबल स्पून बादाम, और साथ में ही 1.5 से 2 टेबलस्पून डालेंगे सूखा नारियल। तो बस ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद हम इन्हें धीमी आंच पर करीबन 2 से 2.5 मिनट के लिए सेक लेंगे, या फिर जब तक इसे हमें घी में भूनना है जब तक कि हल्का सा इन पर कलर नहीं आ जाता। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा भी नहीं भूनना है, अगर ज़्यादा इनको भून देंगे तो फिर ये खाने में थोड़े कड़वे लगेंगे। तो इधर ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे से भून गए, हल्का हल्का सा इनमें कलर आ गया है, तो बस इससे ज़्यादा इनको भूनने की ज़रूरत नहीं है। इनको हम किसी एक प्लेट में या बोल में निकाल लेंगे और वापस यही कढ़ाई लेंगे। इसके अंदर डालेंगे 2 टेबलस्पून देसी घी। तो जब ये घी थोड़ा सा मेल्ट हो जाए उसके बाद हम गैस की फ्लेम को धीमा रखेंगे और इसके अंदर डालेंगे 1 कप गेहूं का आटा। तो फ्रेंड्स, सिंपल ये वही आटा जिसे हम हर रोज़ रोटी बनाते हैं। तो आटा डालने के बाद बस अब इसे लगातार हम चलाते हुए जब तक भूनेंगे जब तक इसमें बहुत अच्छी खुशबू ना आने लग जाए। थोड़ी बहुत अगर बीच में इसमें गुठलियाँ पड़ जाती हैं तो आप स्पैचुला से इस तरीके से दबाकर उसे आटे में मिक्स करते जाएँ। तो इधर पंजीरी को मैंने करीबन 15 मिनट भून लिया है और हल्की हल्की सी इसमें खुशबू आनी शुरू हो गई है। अब इस स्टेज पर इसके अंदर हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट जो हमने अभी भून के रखे हुए हैं, साथ में ही 1/2 छोटी चम्मच डाल देंगे हरी इलायची पाउडर। तो फ्रेंड्स, मैंने हरी इलायची को सिंपल कूट के ऐड किया है, आप चाहें तो यहाँ पाउडर भी डाल सकते हैं। बस अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए और भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि इसको हमें बहुत पेशेंस के साथ भूनना है। अगर इसको हमने कच्चा छोड़ा तो जो हमारा पंजीरी है वो खाते समय गले पर चिपकेगी, तो इसलिए इसको बहुत आराम से पेशेंस के साथ जो है भूनिएगा। और वैसे भी फ्रेंड्स, हम भोग तैयार कर रहे हैं, जितना पेशेंस के साथ खुशी के साथ इसको बनाएंगे ये जो हमारा प्रसाद है उतना ही ज्यादा बढ़िया बनकर तैयार होगा। तो बस लास्ट में हम डाल देंगे 5 से 6 तुलसी के पत्ते। तो तुलसी के पत्तों को हमें तोड़ के ऐड करना है, इससे बहुत बढ़िया खुशबू ऐड होगी हमारे प्रसाद में। तो बस एक बार इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। और अभी ये जो कढ़ाई है फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा गर्म है, तो बीच बीच में थोड़ा बहुत इसको चलाते रहना है ताकि जो हमारी पंजीरी है वो जले नहीं। तो इधर जो ये पंजीरी है फ्रेंड्स बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो गई है, अब इसके अंदर हम मीठा ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने 1/2 कप खांड ली है, आप इसकी जगह मिश्री या फिर चीनी का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे अभी आप देख भी रहे हैं फ्रेंड्स, थोड़ी सी खांड मैंने बचा ली है, मुझे थोड़ा सा मीठा ज़्यादा लग रहा था। तो मीठेपन को आप अपनी फैमिली के टेस्ट के हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा कर लीजिएगा। बस अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स, ये हमारे कान्हा जी का प्रसाद बनकर बिल्कुल तैयार है। इस प्रसाद के ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे, साथ में थोड़े से तुलसी के पत्ते भी डाल देंगे, जिससे ये प्रसाद देखने में और ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो फ्रेंड्स, इस जन्माष्टमी पे इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आई होप आज की प्यारी सी और सिंपल सी रेसिपी आपको पसंद आई है। अगर थोड़ी सी भी पसंद आई है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कर सकते हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में। और ऐसे ही सिंपल और प्यारी प्यारी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।